और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सागर धनखड़ हत्याकांड पर यह बड़ी खबर है। सागर धनखड़ हत्याकांड की जांच क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर की गई है। सुशील कुमार को जल्द हिरासत मिलेगी। क्राइम ब्रांच जल्द आरोपी सुशील से पूछताछ करेगी। फरारी के सुशील की मदद करने वाले चेहरे भी बेनकाब होंगे। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े, पूरी जानकारी के साथ। जितेंद्र, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए मामले की जो तफ्तीश है वो क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। अब आगे की जो तफ्तीश है, पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है, अब वो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी। साथ ही ये पता लगाने की कोशिश सबसे पहले क्राइम ब्रांच की होगी कि आखिरकार वो कौन लोग हैं जो पिछले 15 दिन से फरारी के दौरान लगातार सुशील कुमार की मदद कर रहे थे, साथ ही फाइनेंशियल मदद उसको कहाँ से मिल रही थी। तो ये वो तमाम सवाल होंगे जिनका लगातार क्राइम ब्रांच अब आने वाले दिनों में जानने की कोशिश करेगी जवाब। और इसके अलावा अब क्राइम ब्रांच की कस्टडी में आज जो सुशील पहलवान है और उसका साथी अजय है, वो दोनों होंगे। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो क्राइम ब्रांच अब आगे इस पूरे मामले पर तफ्तीश करेगी। इस बीच एक और बड़ी खबर, सुशील कुमार ने दिल्ली पुलिस के सामने कई खुलासे किए हैं, कई बड़े खुलासे। पकड़े जाने के डर से इंटरनेट कॉलिंग कर रहा था सुशील कुमार, इंटरनेट डोंगल की मदद से पुलिस को चकमा दे रहा था सुशील कुमार। फरारी में दिल्ली की एक लड़की की स्कूटी का भी इस्तेमाल किया गया था सुशील कुमार की तरफ से। सुशील कुमार की करीबी बताई जा रही है वो लड़की। तो सुशील कुमार जो कि अब 6 दिन की पुलिस रिमांड पर है और इस दौरान पुलिस की पूछताछ में कई बड़े खुलासे सुशील कुमार की तरफ से किए गए हैं। सुशील कुमार की तरफ से कहा गया कि पकड़े जाने के डर से सुशील कुमार ने इंटरनेट कॉलिंग का इस्तेमाल किया था, साथ ही एक स्कूटी का इस्तेमाल किया था। लड़की का जिक्र किया है जिसने सुशील कुमार को इस दौरान मदद की थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।